दोस्तों, जैसे हमारे खिलाफ कोई विवाद है, वो अगर कोर्ट में चल रहा हो तो हमारा पक्ष वकील रखता है, उसी प्रकार अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई विवाद कोर्ट में चल रहा हो तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी होता है और राज्यों के अंदर राज्य सरकारों का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता होता है। तो आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और महाधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। महान्यायवादी है ये देश के अंदर होता है और महाधिवक्ता का जो पद होता है वो राज्य के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि महान्यायवादी कौन होता है। तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि या कानूनी अधिकारी होता है। उसी प्रकार महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होगा? तो इसका होगा सर्वोच्च विधि अधिकारी, वो होगा महाधिवक्ता। अब हम देखते हैं कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो महान्यायवादी का वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। अब हम देखते हैं, अगर आपको केंद्र सरकार के आर्टिकल याद है तो आप राज्य सरकार के आर्टिकल खुद बता सकते हो। जैसे एक पहले लिख दो, उसके बाद 7 में से 1 कम किया 6 और 6 में से 1 कम किया 5, यानी एक पहले लिखने के बाद अगर हम दोनों में से एक एक कम कर दो तो वो राज्य सरकार वाले आर्टिकल, अधिकांश आर्टिकल आ जाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि इसमें 89 जोड़ भी सकते हो, यानी आर्टिकल 76 के अंदर अगर आप 89 जोड़ते हो तो भी 165 भी आते हैं। तो महाधिवक्ता के पद के बारे में प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। अब हम देखते हैं, तो ये संवैधानिक पद है महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इनकी योग्यता। योग्यता के में महान्यायवादी की योग्यता है वो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश के समान, यानी जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए है वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए या तो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति के राज में कानून का ज्ञाता हो। उसी प्रकार महाधिवक्ता के बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो इसमें चाहिए कि वह किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक जज रह चुका हो, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर वकील रह चुका हो, यानी इसकी योग्यता वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, न्यायाधीश के समान। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे, योग्यता के बाद में आ जाएगी नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का पद होता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। उसी प्रकार देश में राष्ट्रपति है देश का प्रथम व्यक्ति, तो राज्य में प्रथम व्यक्ति कौन है? राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। नियुक्ति के बाद में हम देखते हैं शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा? तो इस महान्यायवादी को शपथ वो राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि महाधिवक्ता को शपथ है वो राज्यपाल दिलवाता है। शपथ के बाद में हम देखते हैं त्याग पत्र। तो इसकी महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है, जबकि महाधिवक्ता भी राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। तो ये आ जाएगा इनका त्याग पत्र। त्याग पत्र के बाद में अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में, त्याग पत्र के बाद में तो इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार महान्यायवादी पद धारण करेगा, राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को हटा सकता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का जो पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इनका वेतन कितना होता है। तो इनका वेतन का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इनको वेतन है वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है महान्यायवादी को, और ये संवैधानिक पद के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान है लगभग 2.5 लाख रुपए है, जबकि महाधिवक्ता है इसका हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान आप मान सकते हो। इसे राज्यपाल इसके वेतन का निर्धारण करता है और वर्तमान में 2,25,000 रुपए इसका वेतन है। अब हम देखते हैं दोस्तों वेतन के बाद में कि इनके कार्य क्या है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ये भारत सरकार को कानून का परामर्श देता है, यानी कानूनी परामर्श देता है या कानूनी सलाह देता है। और देश के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है, यानी ये सरकार का पक्ष रखता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता का क्या कार्य, तो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, इसके साथ में ये राज्यपाल को भी कानून के बारे में परामर्श दे सकता है। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं उसके बाद में कि ये राज्य के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। तो महान्यायवादी वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का पक्ष रखता है, जो कि महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार के पक्ष रखता है। उसके बाद में देखते हैं संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 88। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी को विशेष सुविधा दी गई है कि वह संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है, जिसे संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, यानी मतदान नहीं कर सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 88 कहता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता है वो राज्य के जो विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। तो राज्य के जो दो सदन है विधानसभा और विधान परिषद, उनमें से किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, भाषण दे सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। यह आर्टिकल 177 कहता है महाधिवक्ता के बारे में। तो दोस्तों महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है और योग्यता सुप्रीम कोर्ट के समान है, जबकि महाधिवक्ता है उसकी योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अब महान्यायवादी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा और महान्यायवादी का कार्यकाल वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेगा। और महान्यायवादी है वो भारत सरकार का पक्ष देश के किसी भी न्यायालय में रख सकता है और संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसको शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है और ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। और महाधिवक्ता का कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और राज्य सरकार को कानून के बारे में परामर्श देता है। उसके बाद में राज्य के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है और आर्टिकल 177 के अनुसार राज्य के विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, प्रथम कौन है, इनके बारे में पूछा जाता है और किस कर्म का ये भी पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम महान्यायवादी थे वो थे एम सी सीतलवाड़ थे। वो 1950 से 1963 तक इनका रहे थे। वो सबसे लंबा कार्यकाल है, लगभग 13 वर्षों का इनका कार्यकाल था एम सी सीतलवाड़ का। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में कौन है भारत के महान्यायवादी। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है वो देश के वर्तमान में 15वें महान्यायवादी है, वो है के वेणुगोपाल। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एम सी सीतलवाड़ थे। यही सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर रहे थे, वर्तमान में के वेणुगोपाल है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रथम महान्यायवादी कौन थे,
सॉरी महादेवता कौन थे, तो राजस्थान के जो प्रथम महादेवता थे वो थे जीसी कासलीवाल थे, कासलीवाल, और इनको 1957 में नियुक्त किया गया था, 1956 में जो राजस्थान राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसके बाद में। और उसके बाद में देखते हैं वर्तमान में कौन है, तो राजस्थान के जो वर्तमान में महाधिवक्ता है वो 18वें है, वो है महेंद्र सिंह सिंघवी। और महेंद्र सिंह सिंघवी है वो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हुए हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों महान्यायवादी और महाधिवक्ता, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये है वो केंद्र सरकार में, ये राज्य सरकार में, इसकी नियुक्ति शपथ त्याग पत्र कार्यकाल वो राष्ट्रपति करवाता है, जो कि महाधिवक्ता है वो राज्य में होता है, राज्य में राज्यपाल इसकी नियुक्ति शपथ त्याग पत्र वो राज्यपाल करवाता है, और इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। यह है वो संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन है वो आर्टिकल 165 में। दूसरी बात, एक और आर्टिकल इसमें आर्टिकल 88 के अनुसार ये किसी भी संधि की बैठक में भाग ले सकता है, यह आर्टिकल 177 के अनुसार किसी भी संघ की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता।